हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज किसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो असम राइफल की तरफ से जो वैकेंसी निकल कर आ रही है, जो टोटल पोस्टों की संख्या 1230 है। तो फ्रेंड्स काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जो कंफ्यूज हैं कि स्टेट वाइज वैकेंसी कितनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम आप सभी को सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। आप सभी को स्टेट वाइज हम बताने वाले हैं कि किस स्टेज में कितनी वैकेंसी है। तो फ्रेंड्स आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट कोई भी निकल कर आए तो आप सभी को बहुत जल्द इन्फॉर्मेशन दे सके। तो चलिए फ्रेंड्स आप सभी को हम बताते हैं स्टेट वाइज कितनी वैकेंसी है। आप सभी अपना स्टेट देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आप सभी को सीधे हम ले चलते हैं स्टेट वाइज बताने कि आप सभी को कितनी वैकेंसी आपकी स्टेट में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जूम कर दे रहे हैं थोड़ा, यहाँ पे दे रखा है राज्य कैटेगरी के अनुसार असम राइफल्स की रिक्तियाँ का आवंटन तकनीकी एवं दस्तकर भर्ती रैली 2021-22। ठीक है, तो फ्रेंड्स यदि आप लोग जिस स्टेट से, आप सभी कॉमेंट सेक्शन में जरूर कॉमेंट कीजिएगा कि हम इस स्टेट से हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में आप सभी को बताते हैं पूरे डिटेल्स में। तो फ्रेंड्स आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये जो है अंडमान निकोबार की है। ठीक है दोस्त, ये जो है अंडमान निकोबार की यहाँ पे दिखा रहा है। यदि हम कुल वैकेंसी की बात कर ले अंडमान निकोबार में, तो यहाँ पे एक ही वैकेंसी आप सभी के लिए निकल कर आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे दे रखा है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आंध्र प्रदेश यानी लिपिक में आप सभी को 20 पोस्ट यानी क्लर्क में। ठीक है दोस्त, उसके बाद यहाँ पे जो दे रखा है वारंट ऑफिसर निजी सहायक का एक है, और राइफलमैन इलेक्ट्रिकल फ्यूटर सिग्नल का एक है। तो फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पे आप अपना देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद राइफल लाइनमैन फील्ड के लिए एक है। टोटल फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी की वैकेंसी की बात कर लें कहाँ की, आंध्र प्रदेश की, तो टोटल वैकेंसी की संख्या यहाँ पे फ्रेंड्स दे रखा है 64 यानी 64 है। तो फ्रेंड्स आप सभी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि आपकी वैकेंसी कितनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है फ्रेंड्स, तो अरुणाचल प्रदेश में फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि इसमें जो लिपिक की पोस्ट है 13 है, उसके बाद यहाँ पे एक दो करके दे रखा है। आप सभी जिस स्टेट से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं आप लोग अपना यहाँ पे देख लीजिएगा, नहीं तो यदि हम बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। यदि हम टोटल पोस्ट की बात कर लो फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश की, तो टोटल पोस्टों की संख्या यहाँ पर 41 यानी 41 दे रखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कि सबसे ज़्यादा सीट आप सभी को लिपिक यानी क्लर्क में है। ठीक है दोस्त, तो यदि आप लोग क्लर्क से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी जरूर क्लर्क से अप्लाई कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि सभी को आप सभी को क्लर्क का क्वालिफिकेशन है, आप लोग की टाइपिंग आती है और आप लोग क्लर्क में अप्लाई करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स क्लर्क की ज़्यादा जो है सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे असम की। तो असम में फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पर भी देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर जो है 13 सीटें हैं लिपिक के। ठीक है, उसके बाद दो एक ऐसे ही करके दे रखा है। यदि हम टोटल पोस्ट की बात कर ले असम की, तो 47 यानी 47 है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं बिहार की। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिहार की यदि हम बात कर लें तो बिहार में जो लिपिक के पद है क्लर्क का, यहाँ पे 20 यानी 20 दे रखा है। उसके बाद तीन दो ऐसे ही करके दे रखा है। तो आप लोग वीडियो पॉज करके अपना देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यदि हम टोटल पोस्टों की बात कर लें बिहार की, तो टोटल 91 यानी फ्रेंड्स 91 पोस्ट निकल कर आ रही है बिहार के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स दे रखा है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ की बता दें कि फ्रेंड्स यहाँ पे बस एक ही सीट है लिपिक का, जो कि क्लर्क का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी यहाँ पे अपना देख सकते हैं यदि आप लोग चंडीगढ़ से आते हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ की। ठीक है दोस्त, यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में यदि हम लिपिक की बात कर ले फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 13 सीट दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद एक दो ऐसे ही करके दे रखा है पोस्ट वाइज, आप सभी यहाँ पे अपना देख सकते हैं। यदि टोटल पोस्ट की हम बात कर ले फ्रेंड्स, तो 33 है यानी 33 है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आ जाता है दादर एवं हवेली, दादर एवं नागर हवेली जो है उसका। तो यदि हम इसका बात कर ले फ्रेंड्स कुल पोस्ट का, तो एक ही है जो कि केवल जो है हवलदार लिपिक के लिए ये पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली में फ्रेंड्स लिपिक का पोस्ट जो है दो है, औदर पोस्ट जो है नायब सूबेदार का यहाँ पे दे रखा है, पुल एवं सड़क का एक, उसके बाद राइफलमैन इलेक्ट्रिशियन का यहाँ पे दे रखा है एक, और राइफलमैन रसोईया का तीन है, और राइफलमैन पुरुष सफाई का यहाँ पे एक है। यदि टोटल पोस्ट की बात कर ले दिल्ली का, तो 8 दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी अपना यहाँ पे देख सकते हैं।
उसके बाद दमन और दीव की बात कर ले फ्रेंड्स, तो यहाँ पे टोटल पोस्टों की संख्या जो दे रखा है दो दे रखा है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। गोवा की बात कर ले फ्रेंड्स, तो यहाँ पे दो पोस्टों की संख्या टोटल है, तो आप लोग जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप सभी यहाँ पे अपना देख सकते हैं। गुजरात की बात कर ले फ्रेंड्स, तो गुजरात में यहाँ पे लिपिक की जो पोस्ट है यहाँ पे 15 है, बाकी जो पोस्ट है 1, 2, 3 ऐसे ही करके दे रखा है, तो आप सभी यहाँ पे अपना देख सकते हैं जिस स्टेट से आप लोग आते हैं वहाँ अपना देख सकते हैं स्टेट का। यदि हम टोटल गुजरात के पोस्टों की बात कर ले फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 48 है यानी 48 दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे हरियाणा की बात कर ले फ्रेंड्स, तो हरियाणा में फ्रेंड्स जो है लिपिक का पोस्ट जो है 3 है, और यदि टोटल पोस्ट की बात कर ले हरियाणा का तो 12 यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यदि हम हिमाचल प्रदेश की बात कर लें, तो हिमाचल प्रदेश में फ्रेंड्स यहाँ पे 2 है लिपिक का पोस्ट, और कुल पोस्ट जो है 4 यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर लेते जम्मू एंड कश्मीर की, तो टोटल पोस्टों की संख्या यहाँ पे 21 दे रखा है, और लिपिक के यहाँ 6 दे रखा है, बाकी जो पोस्ट है 1, 2, 1, 2, 3, 6 करके ऐसे ही हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते झारखंड की, ठीक है फ्रेंड्स, तो झारखंड में यहाँ पे दे रखा है हवलदार लिपिक का पोस्ट यहाँ पे फ्रेंड्स दे रखा है 15, और बाकी जो पोस्ट है 1, 2 ऐसे ही करके। यदि हम टोटल पोस्ट की बात कर ले फ्रेंड्स, तो टोटल पोस्ट जो है 51 निकल कर आ रही है झारखंड के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, असम रैफल की तरफ से। इसके बाद बात कर लेते फ्रेंड्स यहाँ पे कर्नाटक की, तो कर्नाटक में जो है हवलदार लिपिक का पोस्ट जो है 15 दे रखा है, अदर पोस्ट 1, 2, 1, 2 करके ऐसे ही। यदि हम टोटल पोस्ट की बात कर ले फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 42 निकल कर आ रही है यानी 42 निकल कर आ रही है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यदि हम केरल की बात कर ले फ्रेंड्स, तो केरल में जो है लिपिक के हवलदार के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे 12 पोस्ट है, बाकी 2, 1 करके ऐसे। यदि हम टोटल पोस्ट की बात कर लें केरल की, तो यहाँ पे 34 पोस्ट जो है निकल कर आ रही है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी अपना यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे तो मेघालय, हाँ अगला फ्रेंड्स यहाँ पे दे रखा है, हाँ एक मिनट यहाँ पे गुजरात, हाँ तो इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो गया किसका, हाँ केरल का हो गया। तो केरल के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे लक्षद्वीप है, ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। तो लक्षद्वीप के लिए जो पोस्ट यहाँ पे 2 दे रखा है, और इसके बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात कर ले फ्रेंड्स, तो टोटल पोस्टों की संख्या 42 है यहाँ पे, आप सभी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 13 लिपिक का पोस्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद महाराष्ट्र की बात कर लें, तो महाराष्ट्र का फ्रेंड्स यहाँ पे 15 टोटल पोस्टों की संख्या है लिपिक का, और यदि टोटल पोस्ट की बात कर ले तो यहाँ पे 61 पोस्ट है, ठीक है फ्रेंड्स, 61 यहाँ पे पोस्ट दे रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ मणिपुर दे रखा है, मणिपुर का टोटल पोस्ट की बात कर ले तो यहाँ पर 74 यानी 34 है, और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे दे रखा है 19 हवलदार लिपिक के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद मेघालय की बात कर ले, तो टोटल पोस्टों की संख्या यहाँ पे 7 दे रखा है, और लिपिक का 4 दे रखा है, तो फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पे अपना देख सकते हैं। मिजोरम की बात कर ले फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 22 है लिपिक का पोस्ट, और टोटल पोस्टों की संख्या यहाँ पे मिजोरम का फ्रेंड्स ऑलरेडी दे रहा होगा, यहाँ पे देख लेते हैं मिजोरम का हाँ टोटल पोस्टों की संख्या 75 यानी 75 है, ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पे अपना देख सकते हैं। उसके बाद नागालैंड की बात कर ले फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो है लिपिक का पोस्ट जो है 30 है, और टोटल पोस्टों की बात कर ले फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 105 है, सॉरी फ्रेंड्स वो इस, हाँ तो फ्रेंड्स नागालैंड के टोटल पोस्टों की हम बात कर लें, तो यहाँ पे 105 दे रखा है, जो कि काफ़ी अच्छा सीट है नागालैंड के लिए। ओडिशा की बात कर ले फ्रेंड्स, तो यहाँ पे लिपिक का पोस्ट के जो है यहाँ पे 10 दे रखा है, और टोटल पोस्टों की बात कर ले तो यहाँ पे 42 दे रखा है, ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी अपना यहाँ पे देख सकते हैं। पुडुचेरी की बात कर ले फ्रेंड्स, तो यहाँ पे टोटल पोस्टों की संख्या 3 दे रखा है, और लिपिक का 1 है। पंजाब की बात कर ले फ्रेंड्स, तो यहाँ पे टोटल पोस्टों की संख्या जो दे रखा है 17 दे रखा है पंजाब के लिए, ठीक है दोस्त। उसके बाद यहाँ पे देख लेते राजस्थान की, तो राजस्थान की जो टोटल पोस्टों की संख्या है, राजस्थान की जो टोटल पोस्टों की फ्रेंड्स यहाँ पे संख्या दे रखा है 36 यानी 36 दिखा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिक्किम की, तो सिक्किम की फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा कि लिपिक के लिए 1 है, और टोटल पोस्ट की बात कर ले तो यहाँ पे 2 दे रखा है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी अपना यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की फ्रेंड्स यहाँ पे जो दे रखा है लिपिक का पोस्ट जो है 16 है, और टोटल पोस्टों की बात कर लें तो यहाँ पे 54 दे रखा है यानी 54। उसके बाद बात कर लेते तेलंगाना की, तो तेलंगाना का फ्रेंड्स यहाँ पे जो दे रखा है टोटल पोस्टों की संख्या 48 है, ठीक है फ्रेंड्स, और लिपिक का यहाँ पे 14 दे रखा है। त्रिपुरा की बात कर ले, तो टोटल पोस्टों की संख्या फ्रेंड्स यहाँ पे 7 है, और उत्तर प्रदेश की बात कर ले फ्रेंड्स, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की टोटल पोस्टों की संख्या 98 है, और लिपिक की बात कर ले फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 23 दे रखा है। उत्तराखंड की बात कर ले फ्रेंड्स, तो उत्तराखंड का टोटल पोस्टों की संख्या यहाँ पे 5 दे रखा है। और पश्चिम बंगाल की बात कर ले फ्रेंड्स, तो पश्चिम बंगाल की जो टोटल पोस्टों की संख्या कितना दे रखा है फ्रेंड्स, तो आप सभी यहाँ पे अपना देख सकते हैं 50 यानी 50 है, और यहाँ पे जो है लिपिक का पोस्ट जो है 9 है। तो फ्रेंड्स आप सभी को इतना देखने के बाद आप सभी को तो समझ में आ गया होगा कि किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है। तो फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें
कि यहाँ पे सबसे अच्छी वैकेंसी निकल कर आ रही है कलर के लिए यानी लिपिक के लिए। तो फ्रेंड्स यदि आप लोगों की योग्यता है असम राइफल में कलर के लिए, यदि आप लोग 10+2 कर लिए तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को काफ़ी चांस होता है कि आप सभी को ये जो है जॉब लग जाएगी। इसलिए कि फ्रेंड्स यहाँ पर जो है असम राइफल में जो है चेस्ट जो है ना कलर के लिए यहाँ पे 77 मांगता है नर्मल और फुला करके 82। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी जो पोस्ट है वहाँ पे आप सभी को नर्मल 80 होनी चाहिए और फुला करके 85। तो फ्रेंड्स काफ़ी जो होता है काफ़ी कैंडिडेट है जो नहीं कर पाते हैं और वो बाहर हो जाते हैं फिजिकल के PST में। ठीक है दोस्त, तो आप सभी को हम जहाँ तक बोलेंगे कि आप लोग की यदि योग्यता है तो आप लोग कलर का जरूर अप्लाई कीजिएगा। और रहा बात टाइपिंग का, तो आप लोग अप्लाई करने के बाद आप लोग अपना टाइपिंग शुरू कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि यदि स्टेट की हम बात करें कि सबसे ज़्यादा किस में वैकेंसी है तो नागालैंड में, जो टोटल पोस्टों की संख्या 105 थी। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी को बिहार में भी काफ़ी अच्छा सीट देखने को मिल रहा है जो कि 92 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी को यदि कोई भी डाउट हो तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।